जा तू शिकायत के काबिल होकर आ, अभी तो मेरी हर शिकायत से तेरा कद बहुत छोटा है। तुमने लिखा है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार थी, सूखे में पहली बारिश की तरह। अगर ये पहला प्यार था तो भगवान करे किसी को ऐसा पहला प्यार ना मिले। ये चंद लाइनें हैं एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फर्स्ट गर्लफ्रेंड रह चुकी सुनीता राजदार की, जिन्होंने उनके बायोग्राफी में लिखी गई बातों को ना सिर्फ झूठा करार दिया बल्कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को औरतों का कभी भी इज्जत ना करने वाला इंसान बताया। उन्होंने फेसबुक पर अपने पोस्ट के जरिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी बायोग्राफी की बखिया उधेड़ डाली। आपको बता दें कि हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बायोग्राफी में बताया था कि किस तरह से उनके कई लड़कियों के साथ संबंध थे और उन्हें प्यार में नहीं बल्कि सिर्फ फिजिकल रिलेशंस में ही इंटरेस्ट था। उनका एक्ट्रेस निहारिका सिंह के साथ भी फिजिकल होने की बातें सामने आई। नवाज ने अपने बायोग्राफी में अपने फर्स्ट गर्लफ्रेंड रह चुकी सुनीता रजवार के बारे में भी लिखा और ये बताया कि किस तरह से वो उनकी गरीबी और स्ट्रगल लाइफ को देखकर उन्हें छोड़कर चली गई और कैसे पहले वो उनके घर की दीवारों पर उनका नाम लिखा करती थी। लेकिन अब सुनीता ने उनके इस बायोग्राफी में लिखी इन बातों को बिल्कुल ही बकवास बताया है। सुनीता ने अपने फेसबुक पर काफी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज ने ये सब अपने मन से बिल्कुल फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह लिख डाली। उन्होंने नवाज को यहाँ तक कह डाला कि उन्हें औरतों की इज्जत करने नहीं आती और उन्होंने उनके गरीबी के कारण नहीं बल्कि उनकी गरीब सोच की वजह से छोड़ा था। सुनीता ने नवाज के बारे में बताया कि वो उतने गरीब नहीं थे और उनसे गरीब तो वो खुद थे। तो ये रही सुनीता द्वारा लिखी गई पोस्ट जिसमें उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनके बायोग्राफी के बारे में बहुत कुछ कह डाला। तो सुनिए कि सुनीता ने क्या कहा। कहते हैं नसीब वक्त बदल सकता है, इंसान की फितरत नहीं। नवाज की किताब पढ़कर कुछ ऐसा ही लगा और एकाएक मेलाराम वफा का एक शेर याद आ गया। एक बार उसने मुझको देखा था मुस्कुराकर, इतनी सी हकीकत है, बाकी कहानियां हैं। क्योंकि इस बायोग्राफी में काफी हद तक सिर्फ छपाई है, सच्चाई नहीं। कई बातें नवाज ने अपने मन से, अपने हिसाब से और अपने हक में लिखी हैं। जीत भी मेरी, पट भी मेरी टाइप्स। उन्होंने बड़े ही खूबसूरती से खुद को बुरा भी कह दिया है और उतनी ही खूबसूरती से अपनी बुराई का सारा ठीकरा औरतों पर भी फोड़ दिया है, खासकर मुझ पे, क्योंकि उनकी माने तो मेरे बाद उनका प्यार से और औरतों से विश्वास ही उठ गया था और उनके सारे इमोशंस RIP यानी रेस्ट इन पीस हो गए थे। बहरहाल उनके बायोग्राफी में जहां तक मेरा सवाल है तो उनके झूठ का फलसफा वहीं से शुरू हो जाता है जहां से मेरा जिक्र है, यानी शुरुआत की पहली दो लाइन से ही, जहां नवाज कह रहे हैं कि वे मुझे NSD में कभी नहीं मिले। NSD में वो मेरे एक साल सीनियर थे तो जाहिर है कि मुलाकात तो होती होगी। हाँ, उस वक्त हमारे बीच कुछ था नहीं, लेकिन ये कहना कि कभी मिले ही नहीं, ये तो अटपटा सा जरूर लगता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके घर की दीवारों में आर्ट वर्क करती थी, हमारे नाम उकेरा करती थी, दिल बनाया करती थी जिनके बीच से होकर कभी कभी तीर भी गुजरा करता था। ये पढ़कर ऐसा लगा मानो मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि उनकी आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स क्लास लेने जाया करती थी। हद तो तब हो गई जब उन्होंने रोमांटिक बॉलीवुड मूवी स्टाइल में लिख दिया कि हमारे ब्रेकअप के बाद उन्होंने व्हाइट पेंट की बाल्टी ली और ब्रश से मेरे आर्ट वर्क को दीवार से और मुझे दिल से मिटाते गए। अब सवाल ये उठता है कि जब मैंने कभी कोई आर्ट वर्क बनाया ही नहीं था तो किसके आर्ट वर्क को मिटाने की बात कर रहे हैं। चलो, इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज भी किया जा सकता है, लेकिन असली खेल तो उन्होंने वहां खेला जहां हमारे ब्रेकअप की बात आई। नवाज हमेशा से सिंपैथी सीकर रहे हैं, वो कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ते जहां से सहानुभूति बटोरी जा सकती हो, कभी अपने रंग रूप को लेकर, कभी गरीबी को लेकर, कभी ये कहकर कि वो वॉचमैन की नौकरी कर चुके हैं, जबकि सच तो ये है कि उस वक्त उनकी फैमिली बैकग्राउंड मेरी फैमिली बैकग्राउंड से काफी अच्छा था। एक कामयाब आदमी को इतना इनसिक्योर देखकर कामयाबी से डर सा लगने लगता है कभी कभी। खैर, नवाज का कहना है कि वो गरीब थे और स्ट्रगलर थे इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। तो नवाज, मैं क्या थी, तुमसे गरीब तो मैं थी, तुम तो कम से कम अपने घर में रह रहे थे, मैं तो दोस्त के घर में रहकर स्ट्रगल कर रही थी। सिर्फ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारा रिश्ता एक प्ले से शुरू होकर उस प्ले के मात्र 3 शो से पहले खत्म हो चुका था क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। मैंने तुम्हारा फोन लेना छोड़ दिया था क्योंकि घिन आती थी तुम्हारे बारे में सोचकर। बात क्या करती तुमसे, मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने करियर पे फोकस करो और मैं अपने। अब जब तुम सब हदें पार कर ही चुके हो तो ये भी जान लो कि मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा था। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम हमारे संबंध का मजाक बनाते हुए सब व्यक्तिगत बातें हमारे कॉमन फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करते थे। तब मुझे पता चला कि तुम औरत और प्यार के बारे में क्या सोच रखते हो। दूसरा बड़ा झूठ जिसने मुझे ये पोस्ट लिखने के लिए मजबूर किया वो ये कि तुम्हारे सफल होने पर मैंने लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि कभी तुम्हारे और मेरे गहरे संबंध थे। ना मैंने तब किसी को कुछ बोला था और ना आज तक किसी को कुछ बताया, फिर इतना बड़ा झूठ क्यों नवाज। अगर बहुत सच्चे बनते हो तो उन लोगों का नाम भी छाप देते अपनी बायोग्राफी में जिनके साथ मैं तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सफल होने के बाद हमारे संबंधों का बखान किया करती थी।
तुमने लिखा है कि मैं तुम्हारा पहला प्यार थी, सूखे में पहली बारिश की तरह। अगर ये पहला प्यार था तो भगवान करे किसी को ऐसा पहला प्यार ना मिले। आज नाम है तुम्हारा, अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तब तो नहीं कहा था, पर अब जरूर कहूंगी कि अपने करियर पर फोकस करो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से नहीं, तुम्हारी गरीब सोच की वजह से छोड़ा था। तुमने अपने बायोग्राफी से साबित कर दिया कि मैं जिस नवाज को जानती थी, तुम आज उससे ज्यादा गरीब हो। ना तुम्हें तब औरतों की इज्जत करनी आती थी और ना ही अब सीख पाए हो। तुम्हारे हालात पर बस इतना ही कहूंगी। जा, तो शिकायत के काबिल होकर आ। अभी तो मेरी शिकायत से तेरा कद बहुत छोटा है। और हाँ, मैं पहाड़ नहीं, पहाड़ हूं। Please give your opinion in comment section below and subscribe the channel.